नीचे दिए हुए लाल बटन पर क्लिक कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिल्म की शुरुआत एक टीनेज बॉय से स्टार्ट होती है जिसका नाम चेरी रहता है। चेरी एक अपार्टमेंट में अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। हाल ही में उसकी मॉम की तबीयत खराब चल रही थी जिस कारण चेरी अपनी मॉम की पार्ट टाइम जॉब जो कि एक डे केयर में थी उसे संभाल रहा था। चेरी एक ऐसा लड़का था जिसे ज्यादा सोशलाइज होना पसंद नहीं था। वो ज्यादा लोगों से बात नहीं करा करता था। उसे लोगों से बात ना करनी पड़े इसलिए वो हमेशा एक हेडफोन को पहने रखता था। इसके बाद हमें एक टीनेज गर्ल स्माइल को दिखाया जाता है। स्माइल एक खुशमिजाज लड़की थी। वो अपने फोन पर लाइव स्ट्रीम भी किया करती थी और वो लोगों में काफी फेमस भी थी। बट उसके दो दांत कुछ ज्यादा ही बड़े थे जिस कारण वो मुंह से बाहर आ रहे थे। इस वजह से स्माइल हमेशा मास्क पहने रखती थी। उसके दांतों में ब्रेसेस भी लगे थे जिन्हें वो लोगों से छुपाना चाहती थी। अब कहानी वापस मुड़कर चेरी पर आती है। चेरी डे केयर के एक ओल्ड मैन फुजियामा का ख्याल रखता था। फुजियामा हमेशा एक यामाजाकुरा नाम के ओल्ड रिकॉर्ड को ढूंढा करते थे लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता था। वो अब एक मॉल में जाते हैं। चेरी भी उनके साथ जाता है। यहाँ स्माइल मॉल में अपने डेंटिस्ट से रूटीन चेकअप करवाती है। इसके बाद वो मास्क पहनकर सोशल मीडिया पर लाइव जाती है और लोगों को मॉल की कुछ अच्छी अच्छी चीजें दिखा रही होती है। यहाँ मॉल में एक शरारती बच्चा बीवर मॉल का एक कार्डबोर्ड स्टैचू चुरा कर भागता है। मॉल का स्टाफ उसे पकड़ने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी ओर मॉल में एक रोलिंग रेस हो रही होती है छोटे छोटे बच्चों की। चेरी उस रेस को देख रहा होता है। वहीं स्माइल भी उस रेस को देख रही थी। तभी बीवर जो मॉल की सिक्योरिटी से बचकर भाग रहा था वो चेरी से टकरा जाता है जिससे चेरी स्माइल से टकरा जाता है और चेरी और स्माइल दोनों गिर जाते हैं। बीवर भागने में कामयाब हो जाता है। चेरी और स्माइल के टकराने से उनके फोन जमीन पर गिर जाते हैं। स्माइल का मास्क उतर जाता है जिस कारण चेरी उसके ब्रेसेस देख लेता है। अब स्माइल एम्बैरेस्ड फील कर वहां से भागती है। वो जल्दबाजी में चेरी का फोन जमीन से उठा लेती है और मॉल से बाहर चली जाती है। चेरी भी बिना देखे स्माइल का फोन उठाकर अपने पास रख लेता है। अब चेरी फुजियामा को वापस डे केयर में छोड़ आता है। यहाँ टफ बॉय फुजियामा का पोता उन्हें घर ले जाने आता है। टफ बॉय चेरी से बीवर के बारे में पूछता है क्योंकि बीवर चेरी का दोस्त रहता है। यहाँ बीवर ने टफ बॉय की कार पर कुछ लिख दिया था इसलिए टफ बॉय बीवर को ढूंढ रहा था। अब चेरी टफ बॉय से कह देता है कि मुझे नहीं पता बीवर कहाँ है। इसके बाद टफ बॉय अपने ग्रैंडपा को लेकर यहाँ से चला जाता है। अब शाम को चेरी अपने दोस्तों से मिलता है। यहाँ चेरी का एक दोस्त बीवर था और दूसरा जापान। अब चेरी बीवर को बताता है कि टफ बॉय उसे ढूंढ रहा है। यहाँ चेरी अब इनके साथ बैठता है। चेरी को हाइकू लिखना पसंद था। हाइकू कुछ ऐसी लाइनें होती हैं जिनमें आप अपने वर्ड्स के जरिए अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो चेरी अब अपना फोन निकालता है उसमें हाइकू लिखने के लिए बट वो देखता है ये तो किसी और का फोन है। फिर उसे याद आता है कि ये शायद उस मॉल वाली लड़की का फोन है। तभी चेरी को फोन पर स्माइल की वीडियो कॉल आती है। अब स्माइल की बहनें चेरी से कहती हैं जो फोन उसके पास है वो हमारा है। इसके अगले दिन चेरी और स्माइल को वापस अपने अपने फोन मिल जाते हैं। अब चेरी अपने डे केयर के लोगों के साथ मॉल आया होता है। स्माइल भी अपनी बहनों के साथ आई होती है। तभी स्माइल मॉल में चेरी को एक लड़की के साथ देखती है तो वो उसका पीछा करती है। अब वो जो लड़की थी वो एक्चुअली में कोई इवेंट के लिए यहाँ आई थी। अब वो सभी लोगों को एक एक हाइकू लिखने बोलती है। सब अपने अपने हाइकू लिख लेते हैं। अब वो चेरी को बुलाती है और उसका हाइकू उसे खुद पढ़ने को कहती है। तो चेरी पहले तो शर्माता है बट वो बाद में उसे लाउडली पढ़ लेता है जिसके बाद चेरी का हाइकू सभी को अच्छा लगता है। तभी फुजियामा बताते हैं कि कोई मास्क वाली लड़की तुम्हें देख रही है। अब चेरी मुड़कर देखता है तो वो स्माइल होती है अपनी बहनों के साथ। अब शाम को चेरी और स्माइल साथ में घर की ओर जाते हैं। इनके बीच कुछ बातें होती हैं जैसे स्माइल पूछती है तुम हेडफोन्स क्यों पहनते हो तो वो बताता है कि मैं लोगों से बात करने में घबराता हूँ। इसलिए अब चेरी स्माइल को ये भी बताता है कि वो अपने हाइक्यू सोशल मीडिया पर भी डालता है पर उन्हें ज्यादा लोग नहीं पढ़ते। इसके बाद स्माइल चेरी को एक हाइक्यू बनाने को बोलती है तो चेरी एक हाइक्यू बना देता है जो स्माइल को भी पसंद आता है।
अब रात को चेरी अपने घर पर अपने रूम का सामान पैक कर रहा होता है, क्योंकि ये लोग एक महीने बाद यहाँ से शिफ्ट होने वाले होते हैं। वहीं दूसरी ओर स्माइल अपने फोन से चेरी के हाइकू को लाइक करती है। तभी उसकी बहनें उसका फोन छीनकर चेरी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती हैं, तो चेरी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं दूसरी ओर स्माइल भी चेरी को फॉलो बैक कर लेती है। अब धीरे धीरे ये एक दूसरे को जानने लगते हैं, एक दूसरे से बात करने लगते हैं। स्माइल भी डे केयर को ज्वाइन कर लेती है। अब ये लोग डे केयर में आने वाले समर फेस्टिवल के लिए डांस की तैयारी करते हैं। इसके बाद स्माइल और चेरी शाम को फूजियामा को उनके घर छोड़ने जाते हैं। यहाँ फूजियामा की एक रिकॉर्ड की शॉप थी। फूजियामा इस शॉप में भी रोज उस यामाजाकुरा नाम के रिकॉर्ड को ढूंढते थे, पर वो उन्हें कभी नहीं मिलता था। अब चेरी उनसे पूछता है, आपको यही रिकॉर्ड क्यों सुनना है? तो फूजियामा कहते हैं, इस रिकॉर्ड के साथ मेरी अनोखी यादें जुड़ी हुई हैं। इसके बाद चेरी और स्माइल उस रिकॉर्ड पे छपी तस्वीर को देखते हैं। घर जाकर चेरी और स्माइल दोनों उसके बारे में नेट पर सर्च करते हैं, पर इन्हें कुछ नहीं मिलता। इसके बाद चेरी का दोस्त जापान चेरी को बताता है कि कुछ लिमिटेड एडिशन रिकॉर्ड होते हैं जिन्हें तस्वीर होती है। इसके बाद स्माइल उस फोटो को अपनी लाइव स्ट्रीम में दिखाती है। यहाँ उसका एक फॉलोवर उसे बताता है कि ये फोटो में दिखने वाला टावर उमा फेमस जगह पर है, जिसके बाद स्माइल और चेरी वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर वो पास ही में बने एक आर्टिफैक्ट्स म्यूजियम में जाते हैं। यहाँ उन्हें एक ओल्ड न्यूज़पेपर दिखता है जिसमें वही लड़की थी जो रिकॉर्ड पर छपी हुई थी, और उसके हाथ में यामाजाकुरा नाम का रिकॉर्ड भी था। वो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि वो अपने ज़माने की एक फेमस सिंगर थी जिसका नाम साकुरा फूजियामा था। फूजियामा से इन्हें याद आता है मिस्टर फूजियामा को नाम। अब ये दोनों उस अखबार की फ़ोटो को ले जाकर फूजियामा की बेटी को दिखाते हैं, तो उनकी बेटी बताती है कि ये फूजियामा की वाइफ मेरी मदर हैं। अब ये रिकॉर्ड की दुकान को बंद करने वाले थे, तो स्माइल और चेरी फूजियामा की बेटी से पूछते हैं कि क्या जब तक आप सब सामान यहाँ से शिफ्ट करोगी, क्या हम यहाँ उस रिकॉर्ड को ढूंढ सकते हैं? तो फूजियामा की बेटी उन्हें परमिशन दे देती है। अब ये लोग उस रिकॉर्ड को ढूंढते हैं, पर इन्हें वो रिकॉर्ड नहीं मिलता। एक दिन रात को चेरी अपना सामान पैक कर रहा होता है, तभी उसे एक हाइकू बुक में पता चलता है यामाजाकुरा के बारे में। यामाजाकुरा ऐसे पेड़ों को कहा जाता है जिनकी पत्तियां चेरी ब्लॉसम का सीजन आने से पहले ही उग जाती हैं, इसलिए जिन लोगों के दांत बाहर होते हैं उन्हें भी यामाजाकुरा कहा जाता है। अब चेरी ये पढ़ने के बाद स्माइल के लिए एक हाइकू लिखता है कि मुझे तुम्हारी वो पत्तियां पसंद हैं जो तुमने छुपा रखी हैं। स्माइल उस हाइकू को पढ़ती है और समझ जाती है कि चेरी ने ये उसी के लिए लिखा है। अब पूरी दुकान खाली हो गई थी, पर इन्हें वो रिकॉर्ड कहीं नहीं मिलता। तभी चेरी शॉप में मौजूद फ्रिज के पीछे चेक करता है, तो फाइनली उसे वो रिकॉर्ड मिल जाता है। वो ये रिकॉर्ड फूजियामा को दिखाते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। यहाँ अब ये उसे चलाने वाले होते हैं। चेरी स्पीकर की केबल लेने बाहर जाता है। वहाँ स्माइल चेरी को दिखाती है कि रिकॉर्ड के पीछे समर फेस्टिवल की फ़ोटो है, तो अब स्माइल चेरी को समर फेस्टिवल में चलने के लिए पूछती है, तो चेरी कहता है ठीक है। अब चेरी अंदर चला जाता है, स्माइल खुश होती है। तभी वो देखती है कि रिकॉर्ड इतने सालों तक फ्रिज के पीछे पड़े रहने के कारण थोड़ा सा मुड़ गया होता है। तभी स्माइल उसे सीधा करने की कोशिश करती है, लेकिन वो रिकॉर्ड टूट जाता है। स्माइल इसके लिए कई बार फूजियामा से माफ़ी मांगती है। अब अगले दिन चेरी और स्माइल डे केयर में होते हैं, तभी स्माइल को पता लगता है 17 अगस्त यानी समर फेस्टिवल के दिन चेरी यहाँ से चला जाएगा। अब स्माइल इस बात से चेरी से थोड़ी नाराज़ होती है कि उसने उसे अभी तक ये बात क्यों नहीं बताई थी। अब स्माइल फूजियामा से एक और बार माफ़ी मांगती है, और रात में वो घर जाकर उस रिकॉर्ड को जोड़ने की कोशिश करती है, पर वो नहीं जुड़ता। स्माइल अब रोने लगती है। अब अगले दिन आज समर फेस्टिवल का दिन होता है। स्माइल टूटा हुआ रिकॉर्ड जिसे स्माइल ने जैसे तैसे जोड़ा था वो उसे फूजियामा को देती है और एक बार और माफ़ी मांगती है। तभी डे केयर में मौजूद एक लड़की की नज़र डे केयर की घड़ी पे जाती है जिसका डिज़ाइन बिल्कुल उस रिकॉर्ड की तरह था। अब ये लोग उस घड़ी को उतार के देखते हैं तो वो घड़ी एक्चुअली में एक यामाजाकुरा रिकॉर्ड होती है। यामाजाकुरा रिकॉर्ड में फूजियामा की
वाइफ की आवाज थी। वो गाना फुजियामा की वाइफ ने गाया था, इसलिए वो रिकॉर्ड फुजियामा के लिए इतना महत्वपूर्ण था। अब रात को समर फेस्टिवल स्टार्ट होता है। समर फेस्टिवल में डे केयर के सभी लोग अपने गाने को छोड़ यामाजाकुरा गाने पर डांस कर रहे होते हैं। स्माइल इसको स्ट्रीम कर रही होती है। चेरी भी उसकी लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है। वो फेस्टिवल में नहीं जा पाता क्योंकि वो दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा होता है। तभी चेरी का दोस्त बीवर पूरे रोड पर चेरी का वो हाइक्यू लिख देता है जो चेरी ने स्माइल के लिए बनाया था। मुझे वो पत्तियां पसंद हैं जो तुमने छुपा रखी हैं। अब चेरी अपने दिल की बात सुनकर गाड़ी को रुकवाता है और समर फेस्टिवल में जाता है। यहाँ वो गाना खत्म होने के बाद माइक पर सबके सामने घबराते हुए स्माइल को प्रपोज करता है। वो अपने दिल की सभी फीलिंग्स स्माइल को बता देता है। एंड मूवी यहीं एंड हो जाती है। ऐसे और भी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और भी एनिमे मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन लाने के लिए।